बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, जो मन में आए वो करते हैं, इनको कैसे सुधारें? आप सुधरे हुए हो। सुधारने का मतलब क्या? पहले तो ये समझे ना प्रभु जी, क्या नहीं मानते आपकी, मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ। आप उनसे इंद्र तृप्ति कराने के लिए कहें और वो मना कर दें तो मैं कहूंगा बच्चे बहुत अच्छे हैं, सुधरे हुए हैं, आप बिगड़े हुए हो। तो सुधरा क्या होता है पहले आप ये जानिए। जैसे कई लोग चाहते हैं हमारा बच्चा ही भागवत जैसा बने, बन ही नहीं सकता। हैं तो इसीलिए मेरे पता नहीं है, आप 9210531053 पे फोन करिए, 6 पे एक्सटेंशन 6 पे जाइए, पता तो लगे प्रभु जी क्या नहीं मानते। मेरे पास एक फोन आया, एक बोलते हैं मेरा बच्चा मेरी मानता ही नहीं है। मैंने क्या नहीं मानता, बोले मेरे को रोज एक रात को एक पैक पीने की आदत है, देता ही नहीं लाके। मैंने कहा तो उसको नहीं मानना चाहिए आपकी बात है, एक डायबिटिक पेशेंट का वहाँ है तो मुझे गुलाब जामुन नहीं देता खाने के लिए। तो बच्चा अच्छा है, डॉक्टर है बच्चा, पता लगा बाद में, क्योंकि हेल्थ के लिए खराब है। तो सुधरना ना सुधरना ये बड़े क्या है वर्ड, रिलेटिव वर्ड है, क्या कहते हैं इसको, सापेक्ष है। तो जरा बताइए तो आज्ञा किस, कौन सी आज्ञा? अगर वो कृष्ण भक्ति की आज्ञा पालन नहीं कर रहे तब गड़बड़ है, तब गड़बड़ है। पता नहीं आप लोग कौन सी आज्ञा पालन करा रहे हैं, पता नहीं प्रभु जी। अगर आप कृष्ण भक्ति करा रहे हैं तो भगवान उनको समझाइएगा कि कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, जरूर जान जाएंगे। हमारे सामने इतने बच्चे हैं, हम भी बच्चे थे, हमने भी समझा, हाँ बचपन में समझे थे, इस उम्र में थोड़े समझे आगे। तो इसीलिए तरीका तो यही है, अगर कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कह रहे हो तो मेरा आपको कोई एडवाइस नहीं है, फिर आप दोनों के दोनों सेम उस पे लेवल पे। असुर का बेटा असुर नहीं मान रहा है, असुर का बेटा असुर की बात तो ठीक है, हैं? चोर बाप कह रहा है बेटे से चोरी कर, बेटा कहता नहीं करूंगा, तो चोरी करूंगा तो आपको नहीं दूंगा, ठीक है कि नहीं ठीक है राधा जी, सही है ना? ओके, अब मैं कुछ, आपने ऐसा कर दिया प्रश्न, क्योंकि 99% तो लोगों को पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक बार कृष्ण भक्ति खुद सीखिए और बच्चों को भी बताइए कि पालन करेंगे। धन्यवाद, हरे कृष्ण।